खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। करनाल पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल। कृषि किसान बिल के विरोध में कल किसान संगठनों द्वारा भारत बंद किए जाने के सवाल पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सभी किसान अपने खेतों में व्यस्त है, सड़कों पर केवल कांग्रेस थी। कांग्रेस एक बूझती हुई लौ है, जो कि कांग्रेस अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस किसानों के कंधे पर बंदूक रख कर चला रही है। कांग्रेस ने हमेशा बिचौलिया का साथ दिया है। किसानों की हालत आज जो हुई है, वो इसकी जिम्मेवारी कांग्रेस को लेनी चाहिए। K9 मीडिया के लिए करनाल से अमित भटनागर की रिपोर्ट। करनाल में ये जो है यूनिवर्सिटी का एक्सटेंशन सेंटर है, इसमें एक भव्य गेट का निर्माण हुआ है, वो देखने के लिए मैं आया। और गन्ने के लिए जो उत्कृष्ट वैरायटी हैं वो सारी यहाँ से बन के गई हैं, जिससे हरियाणा के किसानों को ही नहीं देश के पूरे किसानों को बहुत लाभ हुआ है। मक्का का भारत का ये बहुत ही उत्तम स्टेशन है। और अब जो है जो करनाल के अंदर हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बनने जा रही है 60-65 एकड़ के अंदर, उत्तर भारत की एक विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी यहाँ बनेगी, जिससे कि आप दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से इसको कम्पीट कर पाएंगे। इसका पहले ये ज़मीन थी HAU के पास, उससे ट्रांसफ़र करके हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी को दे दी गई है। तो दोनों सेंटर रहेंगे, HAU का सेंटर थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, उसको इसके बदले में ज़मीन दे दी गई है। और हॉर्टिकल्चर का बिल्कुल वर्ल्ड क्लास का एक यूनिवर्सिटी यहाँ बनने जा रही है, जिससे कि करनाल, यमुनानगर और पानीपत, अम्बाला, यही इलाका नहीं, सारे उत्तरी भारत के बच्चे जो है इस यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग लेंगे और हॉर्टिकल्चर में एक एक्सीलेंस हम प्राप्त करेंगे। सर, बात करें तो कल किसानों का कृषि बिल को लेकर देखिए, किसान जो है आप कहीं भी जाके देखिए, खेतों के अंदर व्यस्त हैं, धान की कटाई का व्यस्त है, कपास की जुगाई का है, बाजरा निकालने का है, सड़कों पे कांग्रेस थी, कांग्रेस एक बूझती हुई लो है, आखिरी लड़ाई लड़ रही है, किसान के कंधे पे बंदूक रख के चला रही है। और कांग्रेस ने हमेशा ही बिचौलियों का साथ दिया है। किसान की जो खराब हालत हुई है उसकी जिम्मेवारी कांग्रेस को अपने आप लेना चाहिए और उसको प्रायश्चित करना चाहिए कि 60-70 साल में हम किसानों का भला नहीं कर पाए। और आज जो मोदी जी कोशिश कर रहे हैं नए नए बिल पास करके, किसान हितैषी फैसला लेके, उसका समर्थन करना चाहिए। और जो किसानों का शोषण हुआ है बिचौलियों के द्वारा, उसके लिए कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए। असर किस चीज़ से पड़ता है नहीं पड़ता है ये तो चुनाव का रिजल्ट बताएगा, लेकिन बड़ौदा का किसान जागरूक किसान है, जागरूक मतदाता है, उसको पता है कि इस वक्त जो है लगभग 4 साल के लिए सरकार जो है स्थिर सरकार है, उसके अंदर वो अपना पहली बार कमल के निशान पर बटन दबाकर अपना भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुन के सरकार के अंदर बहुधा हल्के की हिस्सेदारी करना।